और घर में कहती है कि नाती के बेटा अब मुँह तो पियन हूँ अब मंग झौसी। अब बताइए अब बाबा खराब है कि वो लक्ष्मीनिया खराब है, वो दलिद्री है, उसका आचरण गड़बड़ है, तो उससे धर्म बदनाम नहीं होगा। हमारे पास जो है वो पहने हैं, तेरे पास जो है वो तू पहना है, तो धर्म कैसे बदनाम हो गया? तेरा निमोरी फेल है। आज जेल हो, काल बेल हो, परसों से हुए खेल हो, डोंट टच मी नो परमिशन। जो डर गया सो मर गया। मैं अघोरी हूँ, अघोरू मंत्र से आत्मा को हम कब्जे में करता हूँ, डोंट टच मी नो परमिशन। छोटू अब उसका जन्म कहीं मानो में हो जाएगा, उसका लाइन क्लियर है। अब बताइए आसाराम बापू इतना बड़का होके सारा जेल में पोई पाई करता है, अब बाबा रहीम इतना बड़का होके टीक बांध के और धन बाबा का पाके और जेल में पोई पाई करते, अब बताइए। सी और निर्दोषी तेगालवा बाबा करेंगे, तीसरा नेत्र जो है मैं हूँ, दो गालवा बाबा दू गो आँखा है, भोले बाबा का तीन गो आँखा है, तो तेगालवा बाबा डोंट टच मी नो परमिशन। और डमरू भी दिखता है, ये त्रिशूल भी दिखता है और शोक भी दिखता है, अब तेरा आचरण गड़बड़ है तो हम क्या करेंगे? दोस्तों आरती और छोटू का प्रेम कहानी में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और आज हमारे साथ हैं बाबा जो कि कह रहे हैं कि छोटू का आत्मा आया हुआ है। आइए सच जानने की कोशिश करते हैं, क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम है तपेशी जोगी धुरेंद्र दास त्यागी बाबा भवभूति वाले। यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है आपका बयान कि आप आपके शरीर में छोटू आया हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे भाई साधु सन्यासी के पास कोई भी अगर मृत्यु किसी का होता है उम्र से पहले तो वो आत्मा भटकता है। अच्छा। संत के पास वो आया और हमसे निवेदन किया, बाबा हमको कोई स्थान दीजिए, हमारा हम भटक रहे हैं। तो मोबाइल पास छोटू बोला, हाँ छोटू को आत्मा आत्मा एक नहीं रहता है। दो दिन ये खेल हुआ, दो दिन के बाद भोलेनाथ ने उनको स्थान दे दी। अच्छा। तब हम बोल दिए कि भाई उनका अब नाम नहीं लेना, उनका स्थान हो गया है, अब किसी को परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, आपके शरीर से छोटू चले गए? हाँ। ये कब गए हैं? कल कल तो कल ही से ये बंद हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप ढोंगी बाबा हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? महाराज जलने वाला लोग है, अच्छाई पर कीचड़ उछालने वाला लोग है। एक तो राम का नाम नहीं लेगा और जो लेता है तो उसको बदनाम करेगा कि ये साधु नहीं है। हम साधु के रूप में तेरे को दिखता हूँ और डमरू भी दिखता है, ये त्रिशूल भी दिखता है और शोक भी दिखता है, अब तेरा आचरण गड़बड़ है तो हम क्या करेंगे? भगवा पहनकर कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को आप नाश नहीं कर रहे हैं? हम बताते हैं, लाल कपड़ा पहनो चाहे उजर पहनो, कपड़े में कोनो दाग नहीं होता। गंजी पहनो चाहे जामा बुनो चाहे टोपी पहनो, तो उससे धर्म बदनाम नहीं होगा। हमारे पास जो है वो पहने हैं, तेरे पास जो है वो तू पहना है, तो धर्म कैसे बदनाम हो गया? तेरा निमोरी फेल है, डोंट टच मी नो परमिशन। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपको हम जेल भेज कर छोड़ेंगे। अरे आज जेल हो, काल बेल हो, परसों से हुए खेल हो, डोंट टच मी नो परमिशन। जो डर गया सो मर गया। हम किसी को चोरी करते हैं कि जेल होगा, मैं राम का नाम लेता हूँ, डमरू बजाता हूँ, शोक बजाता हूँ, डोंट टच मी नो परमिशन, सीट डाउन। आप बाबा हैं, छोटू का आत्मा आप में कैसे आ गया? मैं अघोरी हूँ, अघोरू मंत्र से आत्मा को हम कब्जे में करता हूँ, डोंट टच मी नो परमिशन। 12 बजे रात में महाकाल का पूजा होता, मूर्घट के लगे, चीता के लगे, अघोरा न परो मंत्रो पाहिमाम शरणागतम शरणागतम, इस मंत्र से हम जाप करते हैं। मैं हूँ दो गालवा बाबा दू गो आँखा है, भोले बाबा का तीन गो आँखा है, तो ते गालवा बाबा डोंट टच मी नो परमिशन। यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भगवा पहन कर ढोंगी कर रहे हैं, इनको जेल भेज देना चाहिए, बाहर नहीं रहने देना चाहिए, ये समाज में गलत मैसेज भेज रहे हैं। ये गलत, ये भ्रष्ट युग है। आज जब भरम नहीं है, धर्मी आदमी को अधर्मी लोग कहते हैं। अब बताइए आसाराम बापू इतना बड़का होके सारा जेल में पोई पाई करता है, अब बाबा रहीम इतना बड़का होके टीक बांध के आ धन बाबा का पाके और जेल में पोई पाई करते, अब बताइए हम एक रुपया पर खुश है? कम बोलना ज़्यादा समझना, जो विश्वास नहीं करता है वो आउट हो जाएगा, डोंट टच मी नो परमिशन। तेगालवा नहीं छोड़ेंगे, और त्रिकाल है, महाकाल है, वो अविनाशी है। तेगालवा बाबा आप कब से बन गए? तेगालवा बाबा हम नहीं हैं,
तेगालुआ बाबा भोलेनाथ हैं, और तीसरा नेत्र है ज्वालामुखी है, वही तेगालुआ बाबा है। दूगो से नहीं फरियादा तो तीसरा फरिया देता है, डोंट टच मी नो परमिशन। आप बाबा हैं, आपको मंत्र याद है? हाँ मंत्र याद है। हम दर्शकों बताइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय से सारा संसार आनंद होता है। नमः शिवाय खाली नहीं करना है, ओम को भी लेना है। नमः शिवाय औरतें लोग करती है, नमः शिवाय, नमः शिवाय अच्छी चर्चा करती है, होटोला होटोला में हरिंद्रा भैया, फलानवा भैया, अचिलानवा भैया, और घर में कहती है कि नाती के बेटा अब मुँह तो पियन हूँ, अब मंग झौसी। अब बताइए, अब बाबा खराब है कि वो लक्ष्मीनिया खराब है, वो दलिद्री है, उसका आचरण गड़बड़ है, अब गलती यही जाए तो उसको हम बताते हैं कि लक्ष्मीनिया आचरण को सुधारना है। अगर उसको समझ में आ जाता है तो हमको चावल देती है, आटा देती है, आलू देती है, हम अपने झोले में रख करके अपने कुटिया में जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देख सकते हैं दोस्तों, यही बाबा थे जो कि कह रहे थे कि छोटू इनके शरीर में आत्मा में आया हुआ है, लेकिन अब चला गया है, और अपने बात को रख रहे थे, आपको बता रहे थे और आपको मिलवा चुके हैं।